हे एवरीवन, आज मैं लाई हूँ आलू के पराठे का बहुत ही आसान तरीका। इसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं इस तरह से आलू के पराठे, और आपको इसमें आलू भरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कटोरी आटा ले लेना है। इसमें हम धनिया डालेंगे। अब इसमें हम आलू को भरकर नहीं बनाएंगे, इसे हम आटे के साथ ही कद्दूकस कर लेंगे। आलू को कद्दूकस करें, इससे ना आलू जो है बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, आटा में मिक्स हो जाएगा, बहुत अच्छे आलू के पराठे बनेंगे। 5 से 6 आलू लेना है, बॉइल्ड आलू हमें लेना है, ठंडे हो जाएं तब आप कद्दूकस करें। अब इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में हल्दी लेंगे, लाल मिर्चा पाउडर डालेंगे, सब्जी मसाला डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो इसमें ना आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तेल डालेंगे 2 चम्मच, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। सॉफ्ट आटा गूंदना है हमें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा गूंदें। जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना उतने अच्छे आलू के पराठे बनेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, एक साथ पानी ना डालें। ये देखिए आटा गूंद लिया है, आटा गूंद लिया है। अब इसके फटाफट छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और इसे बेल लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा आटा लगा लें। इस तरह से ना आप लोग भी आलू के पराठे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं। टिफ़िन में, बच्चों के टिफ़िन हो या सुबह का नाश्ता हो, बहुत आराम से और बहुत जल्दी बन जाएगा। आलू आप रात में ही बॉईल करके रख सकते हैं। अब तवा लेंगे, तवा में थोड़ा सा तेल डालें गरम होने दें, और इस तरह से पराठे को दोनों साइड से सेक लेंगे। घी या तेल जो आप लगाना चाहें वो इसमें लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से सेक लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं, ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छे लगेंगे खाने में। इसी तरह से हम सारे पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों में से किस किस ने इस तरह से आलू का पराठा बनाया है। अगर नहीं बनाया तो आज ही बनाएं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पराठे बनकर रेडी होते हैं, एक बार बनाएंगे तो बार बार ऐसे बनाना चाहेंगे। तो देख सकते हैं सारे पराठे बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। इसे आप दही के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाएं, किसी के भी साथ खाएंगे ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो एक बार आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।